हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शरभ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। बेसिकली दोस्तों यहां पे भी आपने देखा, मैंने सारे प्रो लेवल के यानी साउंड सिस्टम दिखाए, बड़ी बेसिक दिखाई, बड़े इक्विपमेंट दिखाए, एम्पलीफायर बड़े बड़े दिखाए, लेकिन दोस्तों एक कैटेगरी मुझे यहां पे लगी यार ऐड करना ज़रूरी है, और यहां पे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्यूअर्स हैं उनको ये लगता है कि ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये आ जाता है पीए सिस्टम्स के अंदर। यानी आज की जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों, वो है पीए सिस्टम्स के जितने भी कंपोनेंट है, स्पीकर्स हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक्टिव सबवूफर रखा हुआ है जो कि कॉम्पैक्ट है, 12 इंची के अंदर यानी 12 इंची के अंदर आता है। इसकी स्पेसिफिकेशंस भी बताने वाला हूँ, टेस्टिंग पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को रुके रहना। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था यहाँ पे हमारे ये सारे पीए सिस्टम्स के बारे में, तो एक एक करके सारी पीए सिस्टम को हम देख लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस टावर से जो कि 250 वाट का है, जो कि सीकेएस अकोस्टिक्स की तरफ से आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहीं अगर मैं बात करूँ इसकी लुक के, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा आपको जो है वो हैंगिंग वाला प्रोसेस देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे जो है इसके साथ में जो इसके अटैचमेंट्स आते हैं वो यूज़ करके इसको हैंग कर सकते हैं, और ये आपको आउटडोर में और इंडोर में दोनों में काम आने वाला कंपोनेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो पूरी की पूरी मेटल है, तो ये भी पूरा मेटल मेरे को देखने को मिल रहा है। यहीं अगर मैं बात करूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी ग्रिल की भी क्वालिटी जो है वो पूरी मेटल है। यहीं अगर मैं बात करूँ इसका दोस्तों जो मॉडल नंबर है वो आप देख सकते हैं CAG240 है इसका जो मॉडल नंबर है। यहीं अगर मैं वॉटेज की बात करूँ तो 250 वॉटेज में आता है ये, और क्वालिटी यार एक नंबर देखने को मिल रही है मुझे। और यहाँ पे अब जो आ जाता है दोस्तों हमारे नेक्स्ट आ जाता है पीए सिस्टम का कंपोनेंट, और इसके अंदर मैं अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ, तो दोस्तों इसके अंदर दो स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको सीकेएस अकोस्टिक्स की ये देखिए ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ग्रिल लगा रखी है इसके ऊपर, और यहाँ पे आपको दोस्तों बीच में एक एचएफ मिल जाता है, यानी पीजो ट्विटर भी आप कह सकते हैं। अगर मैं इसकी बैक साइड की बात करूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आपको इनपुट सॉकेट मिल जाता है जो कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में को देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर मैं बात करूँ इसका जो मॉडल नंबर है दोस्तों, वो है यहाँ पे CA1260 के नाम से, 40 वाट इसकी रेटेड पावर है, ये मैक्स पावर, ये 80 वाट पे काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये LMT के साथ काम करता है। अटैचमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, हैंगिंग वाला पूरा सिस्टम इसके अंदर रहता है, तो आप इसको जो है वो वॉल पे हो गया, या फिर इसको आप साइड वॉल्स हो गए, या फिर आउटडोर में हो गए, इसको कहीं पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से देखने वाला है। यहाँ अगर मैं बात करूँ इससे बड़ा भाई, इसका जो बड़ा है यानी इससे जो बड़ा मॉडल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम आ जाता है दोस्तों। इसके अंदर आप भी आपको मिल जाता है दो स्पीकर, प्लस बीच में आपको एक ट्विटर मिल जाता है। यहीं पर आप देख सकते हैं सीकेएस अकोस्टिक्स की आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। और बैक साइड की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों आप बैक साइड भी इसका देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इनपुट मिल जाता है, प्लस जो है वो LMT यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये भी आपको हैंग करने वाला ही सिस्टम देखने को मिलता है, आप इसको वॉल पे हैंग कर सकते हैं। और गाइज इसकी जो पावर है वो है 120 वाट का, इसके अंदर जो है वो आपको पावर मिल जाता है। और दोस्तों ये आ जाता है हमारा सबवूफर जो कि नेक्स्ट मॉडल है, और ये एक्टिव है दोस्तों। ये भी आपको सीकेएस अकोस्टिक्स की तरफ से देखने को मिल जाता है, प्योरली मेड इन इंडिया रखा गया है। इसकी जो खास फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप बैक साइड देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक्टिव है, और मतलब जो इनोवेशन करी गई है इसके साथ वो बहुत ही अच्छी है, नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे आप इनपुट देख सकते हैं, इनपुट करिए आप इसको माइक से जो है वो डायरेक्ट इनपुट करके चला सकते हैं, या फिर आपको अगर आउटपुट भी देना हो, और आउटपुट की इसके अगर वॉटेज सुनेंगे तो ध्यान से सुनिए, इसकी जो 350 प्लस 350 की इसके अंदर आउटपुट आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही मैसिव है। इस कॉम्पैक्ट और इस साइज़ में आपको जो है वो आउटपुट भी मिल रही है, साथ में आपको सबवूफर भी मिल रहा है। बाकी कैबिनेट की आप यहाँ पे क्वालिटी देखते हैं, पेंट की क्वालिटी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों जो स्पीकर यूज़ करा गया है, यानी इसके अंदर जो पावर स्पीकर है इसके अंदर यूज़ करा, वो 800 वाट का स्पीकर है 12 इंच के अंदर, यानी सबवूफर है ये। आप इसको पीए में यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आप फिट करते हैं कहीं पे, क्लब हो गया, कॉन्फ्रेंसेस क्लब्स हो गए, और हॉल हो गया, उसके अंदर आपको अगर सब चाहिए जो कि पीए से रिलेटेड हो, पीए में यूज़ हो, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी इसमें क्या है, आप दोस्तों दो मॉनिटर अटैच कर सकते हैं, यानी दो आप और कंपोनेंट, दो और स्पीकर अटैच कर सकते हैं, जो कि पावर आपको 350 प्लस 350 वाट के अंदर देनी है।
वहीं अगर मैं बात करूँ हमारे नेक्स्ट मॉडल की, दोस्तों ये आता है 50 वॉट का आपको मिल जाता है कंपोनेंट, जो कि पीए सिस्टम में ही यूज़ होने वाला कंपोनेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी आपको दोस्तों इनपुट और एलएमटी वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बिल्ड क्वालिटी है वो यहाँ पे प्लास्टिक, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है। ये भी आपको जो है वो प्लास्टिक देखने को मिलता है, ये प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी है, इन दोनों की वो आपको पूरा पूरा मेटल मिल जाता है। यहीं अगर मैं बात करूँ हमारी सब की एक्टिव की, तो ये भी आपको जो है वो वुडन में मिलता है, जो कि मेड इन इंडिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा देख के। यहीं अगर मैं बात करूँ हमारे जो हमारे इस बड़े वाले भाई का, ये छोटा भाई आ जाता है, जो कि ये है 120 वाट का, आपको ये देखने को मिलता है। ये भी दोस्तों आपको बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे मेटल पूरा दिया गया है। ग्रिल की क्वालिटी आप देख सकते हैं, सीकेएस अकोस्टिक्स की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं इनकी, हम एक एक करके जो है वो टेस्टिंग ले लेते हैं कैसी है क्वालिटी, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो मेरे को इस सब वूफर में आने वाला है। चलिए यहाँ पे मैं आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी टाइम आता है टेस्टिंग का, तो सबसे पहले जो मॉडल है हमारा, मैंने आपको दिखाया था 250 वाट का, जो कि सीकेएस का है, इसकी टेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, फिर हम सारी टेस्टिंग ले लेंगे। तो करो भैया स्टार्ट। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है वो होता है 120 वाट, यानी हमारी 250 वाट का छोटा भाई आप कह सकते हो। तो इसकी भी अभी हम टेस्टिंग ले लेते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है यहाँ पे एक्टिव सब के साथ में एक पैसिव मॉनिटर। यहाँ पे मैं आपको समझाता रहा हूँ कैसे इसकी कनेक्शन हमने करा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट लिया हुआ है हमने, मॉनिटर को दे दिया है सब में से आउटपुट देके। तो आप यहाँ पे इसकी जगह दोस्तों आप दो आउटपुट ले सकते हैं, एक सब के साथ आप दो पैसिव जो है वो यहाँ पे मॉनिटर या फिर कोई और भी कंपोनेंट है वो आप चला सकते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया पीए में यूज होने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपको 350 प्लस 350 का जो है वो आउटपुट दे देता है। तो अभी हमने ये 250 का जो है वो मॉनिटर अटैच किया हुआ है, और अगर आप इसको दो यूज़ में लेते हैं तो आप 350 के चार मॉनिटर आप आराम से, या फिर चार कंपोनेंट जो कि 350 वाट तक के आपके वोल्टेज को, तो वो आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी क्वालिटी को सुनेंगे हमारे सबके साथ में एक मॉनिटर, जो कि आपको अभी मैं दिखाता हूँ। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट टेस्टिंग है वो आप यहाँ देख सकते हैं 120 वाट का की पीए कंपोनेंट है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे मैंने एम्पलीफायर नहीं करा है, जैसे कि आपको पता है भी आपने सब की टेस्टिंग ली है, तो सब में से ही जो है वो आउटपुट दे दी है हमने, क्योंकि हमारे सब जो है वो पावर है, तो यहाँ से हमने आउटपुट दी और सीधी दे दी हमने अपने इस कंपोनेंट में। और इसकी मैं टेस्टिंग दिखाता हूँ साथ में सब के साथ में, क्योंकि ये पूरा फुल पीए सिस्टम है, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है अलग से कुछ अटैच करने की या फिर कोई और इसके साथ प्रोसेस लगाने की। तो चलिए यहाँ पे जो है वो टेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट मॉडल आता है उसकी भी हम टेस्टिंग ले लेते हैं, जो कि आप अभी दे सकते हैं। तो इसको भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर की, जैसे कि मैंने आपको बताया सब जो है हमारा वो पावर्ड है, तो ये आउटपुट भी दे सकता है। जैसे कि अभी हमने हमारी 240 वाट का टेस्टिंग करा था, तो यहाँ पे इसको भी हम वैसे ही टेस्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पे जो है वो सॉन्ग हम प्ले करते हैं, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी रहने वाली है। ठीक है, टेस्टिंग है वो है हमारी 50 वाट की यहाँ पे कंपोनेंट की। तो आप देख सकते हैं इसको भी सेम वैसे ही कनेक्शन कर रखा है, यहाँ से आउटपुट देके हमने चला रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अभी हम इसके भी टेस्टिंग ले लेते हैं। ठीक है भैया, क्लिक कर दो सॉन्ग। तो दोस्तों जैसे कि भी आपने टेस्टिंग देखी, आई होप अभी इनकी क्वालिटी बहुत पसंद आएगी। यानी पी एस स्टेप के अंदर अगर आपको मैं दोस्तों रिकमेंडेड करूँ पर्सनल पे लेवल पे, तो यहाँ पे CKS मुझे बेस्ट लगता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें दोस्तों मैं एक एक खोल के इसमें देख लेता हूँ, और कंपनी जो है वो काफ़ी सेटिस्फाई करती है मुझे इन प्रोडक्ट के हिसाब से। तो दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेन मेरा था वो था यहाँ पे ये सब ऊपर, और वाकई में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा मार्केट में। ये पहला मुझे ऐसा लगा कि एक्टिव में एक नंबर मेरे को लगा। यही पे बात करूँ इसको परचेज करने के लिए दोस्तों, ये शो रहा होगा शाह ऑडियो इन्फोटेक, तो यहाँ से आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये गुजरात अहमदाबाद में। तो अगर आपको कोई भी क्वायरी हो पीए सिस्टम में, अगर फिट करवाना हो आपको, हॉल हो आपका, कोई भी स्कूल हो आपको, कहीं पर भी फिट करवाना हो जहाँ पर पीए सिस्टम की ज़रूरत हो, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने ये कैटेगरी आपको दिखा दिए। प्राइजिंग के लिए अगर आपको एक एक करके इनकी प्राइजिंग चाहिए तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं शाह ऑडियो से। बाकी दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।